अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने एस्पिरेंट्स जो कि एफपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके हवाले से हम ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, और आज का टेस्ट इंग्लिश वोकेबलरी और ग्रामर दोनों पोर्शन में से होगा। यानी कि इंग्लिश वोकेबलरी के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के होंगे। सो आप कितने स्कोर करते हैं देखते हैं, और ये आपके लिए चैलेंज है कि क्या आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं, और 12 नंबर पे आपका ये टेस्ट पास होगा। तो आपने कमेंट करना है कि आपने टेस्ट पास किया या फेल किया। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस, यहाँ पे वोकैबुलरी का वर्ड है टू स्पीक और राइट अबाउट समवन और समथिंग इन स्कॉर्नफुली डिराइसिव और मॉकिंग वे, किसी पे तंज करना है जिसका मानी होता है। तो कौन सा वो वर्ड है? लाट, डिप्लोर, विलिफाई, योलोजाइस। राइट वर्ड है और आंसर है विलिफाई। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर नेफेरियस। नेफेरियस, नेफेरियस का सिनोनिम आपने तलाश करना है, बेनिफिशियल, विक्ट, जेन्युइन और ग्रेशियस। राइट ऑप्शन है विक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ म्यूमडेन। म्यूमडेन का एंटोनिम कौन सा है? तो आप अपने सेशन को, मतलब जब तक आप आंसर अपना चूज़ नहीं कर लेते तब तक आप वीडियो को आगे प्ले ना होने दें, आप स्टॉप कर सकते हैं। ब्लैंड, लाइवली, ऑर्डिनरी, एंसिपिड। राइट ऑप्शन है लाइवली। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स अ फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय और प्राइड। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके मानी है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय और प्राइड? मेलेंकोली, यूफोरिया, डिसमे, डेस्पेयर। राइट ऑप्शन है यूफोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। कोप, एलिजेंस, सेरेनिटी, इनफिल्ट्रेशन। राइट ऑप्शन है कोप, जैसे मिलिट्री कोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर ओबिक्विशस। सिनोनिम आपने तलाश करना है स्केरस, रेयर, अबंडेंट, वाइड स्प्रेड। राइट ऑप्शन है वाइड स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स टू मेक लेस सीवियर और हार्श। जो चीज़ किसी की शिद्दत कम करे, एक्सेसिबेर, मिटिगेट, एग्रेवेट, स्कालेट। तो राइट ऑप्शन है मिटिगेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोफेंट। साइकोफेंट का मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स इन गेन एडवांटेज, अ लोनर हु डिसलाइक्स सोशलाइजिंग, अ पर्सन हु स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, एन एक्सपर्ट इन प्लांट्स एंड गार्डनिंग। राइट ऑप्शन है अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स टू गेन एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स टू गिव अप वंस ऑफिस और पोजिशन। रिजाइन, असेंड, कॉन्डेम, असर्टन। राइट ऑप्शन है रिजाइन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एफिमिरल। एफिमिरल का एंटोनिम देखना है ट्रांजिटरी, परमानेंट, फ्लीटिंग, इवेंसेंट। राइट ऑप्शन है परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमारा ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाता है। आइडेंटिफाई द जेरेंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द स्टूडेंट्स इंजॉय स्टडीइंग टुगेदर। स्टूडेंट्स इंजॉय स्टडीइंग टुगेदर, इसमें जेरेंड कौन सा वर्ड है? राइट ऑप्शन है स्टडीइंग। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर वाला करेक्ट सेंटेंस आपने देखना है, शी लाइक्स टू रीड, राइट एंड डांसिंग। ऑप्शन बी, शी लाइक्स टू रीड, राइट एंड डांस। शी लाइक्स टू रीड, टू राइट एंड डांसिंग। शी लाइक्स टू रीड, टू राइट एंड टू डांस। राइट ऑप्शन है शी लाइक्स टू रीड, राइट एंड डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है,
Each of the books are interesting. Each of the books is interesting. Each of the books were interesting. Each of the books have been interesting. Right option hai, each of the books is interesting. Question number 14. Identify the sentence type. Can you pass me the salt? Declarative. Ye sentence ki nature apne batani hai. Ye declarative hai, imperative hai, interrogative hai, exclamatory hai. Right option hai, interrogative. Question number 15. Choose the correct form of the verb in the past tense. Past tense ke hawale se correct kaun si verb ki form hai? Run, ran. So right option, ran. Next, our question number 16. Select the correct punctuation for this sentence. The weather is lovely today. So correct punctuation kaun si hogi? The weather is lovely today. Yahan pe comma hai. The weather is lovely today. Yahan pe exclamatory sentence hai. The weather is lovely today. Question mark hai. The weather is lovely today. Yahan pe full stop hai. So the weather is lovely today. Full stop wala option theek hai. Question number 17. Which of the following is a compound sentence? Sentences hai hamare paas isme se. आपने बताना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है. ही एट लंच एंड देन वेंट फॉर अ वॉक. सेंटेंस बी, अल्दो इट रेन्ड द पिकनिक वॉज फन. ऑप्शन सी, द कैट चेज्ड द माउस. ऑप्शन डी, आई नीड टू फिनिश दिस असाइनमेंट. सो राइट ऑप्शन है ही एट लंच एंड देन वेंट फॉर अ वॉक. क्वेश्चन नंबर 18. चूज द करेक्ट pronoun to complete the sentence. Pronoun ka istemal sahi tarike se karna hai. Please pass the salt. I, me, my, mine. To right option me hai. Question number 19. Identify the adverb in the sentence. Sentence mein adverb aapne talash karna hai. She sings beautifully. To right option beautifully. Next question number 20. Last question is select the sentence with the correct use of apostrophe. Apostrophe ka sahi istemal kis sentence mein hua hai? The cat's tail was fluffy. The cat's tail was fluffy. Yahan pe cats ikattha likha hua hai, yahan pe comma hai. The cats, yahan pe cats ikattha hai, comma baad mein lagaya upar, semicolon jisko kehte hain, sorry, isko hyphen kehte hain. Tail was fluffy. The cat's tail was fluffy. So right option aapne yahan se choose karna hai. So right option hai B option, the cat's tail was fluffy. So agar aapko grammar mein koi mushkil aati hai to English Rand and Martin course Harvard Academy jo offer karti hai aap usse fayda utha sakte hain. Aap usko join kar sakte hain. Iske liye aap hamari website www.harvardacademy.com isko visit kar sakte hain aur at the end of the टेस्ट आपने अपने मार्क्स कमेंट करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.